केंद्र सरकार स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान को लेकर सालाना करोड़ों रुपए खर्च कर चुकी है, इसके बावजूद भी रायसेन शहर को गंदगी और कीचड़ से मुक्ति नहीं मिल सकी है। आलम यह है कि रायसेन शहर के कई इलाकों में जगह जगह गंदगी फैली हुई है और जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। आपको बता दें कि सरकार हर साल स्वच्छता अभियान के नाम पर करोड़ों खर्च करती है। इसके अलावा सफाई कर्मचारियों को भी मोटे वेतन और वाहनों पर भी लाखों रुपए खर्च करती है, इसके बावजूद भी शहर को धूल कीचड़ गंदगी से निजात नहीं मिल पाई है। वहीं रहवासियों का ये कहना है कि मॉनिटरिंग के अभाव में ये सब कुछ हो रहा है। उन्होंने कलेक्टर अरविंद दुबे और नगरपालिका अध्यक्ष सविता जमुना सेन से नियमित मॉनिटरिंग कराए जाने की मांग की है। वहीं गंदगी और कचरे से बीमारी फैलने का भी खतरा लगातार बना रहता है। साथ ही मामले में नगरपालिका अध्यक्ष सविता जमुना सेन का ये कहना है कि मॉनिटरिंग कराई जाएगी, लापरवाही बरतने वाले स्वच्छता अभियान से जुड़े अधिकारी सफाई कर्मचारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। खर्चा करे जाता है हर साल, मगर यहाँ की गंदगी आज तक साफ नहीं होती, रात शाम को लेकर 5 बजे तक। आप ये लोग देखिए, नगर पालिका से जैसे मेरी कि इनको साफ करवाइए, साफ सफाई रखवाइए।